certain charges were framed against you lordship the petitioners. अच्छा. In revision you lordship certain charges were the petitioners were acquitted from certain charges. Drop कर दिया. हाँ और certain charges जो है वो रह गया. उसके खिलाफ हम आए हैं. अच्छा. और जिनको हटा दिया उसके खिलाफ एक दूसरे आए हैं. जी तो दोनों ही डिसमिस कर रहे थे वहीं मतलब सबमिशन इज मैलोज में सी मैलोज में जस्ट सी द ऑर्डर इट इज पेटेंटली परवर्स द ट्रायल कोर्ट एविडेंस लीड करिए माय हम्बल सबमिशन इज मैलोज में जस्ट फॉर किस ऑफेंस में आपका हो रहा था ट्रायल जी मतलब किस ऑफेंस में ट्रायल हो रहा है अभी जो कोर्ट हैज सेड कि इट इज नॉट सफिशिएंट टू कन्विक्ट व्हिच इज कॉन्ट्रेरी टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड द डिसीजन बाय मैलोज ठीक है लेट द ट्रायल मैलोज कैन द ट्रायल कोर्ट एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज इवैल्यूएट द एविडेंस एंड अराइव एट अ फाइंडिंग इट इज नॉट सफिशिएंट टू कन्विक्ट एंड दैट ऑन दैट बेसिस इट हैज सेड कि चार्जेस आर नॉट मेड दैट इज व्हाट आई विश टू पॉइंट आउट मैलोज में कॉन्फ्रेंस में आपका ट्रायल हो रहा था आप हैं कौन ट्रायल यूलोशिप द कंप्लेनेंट इज वन ऑफ द स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट यूलोशिप ही लॉस्ट ए रिपोर्ट अगेंस्ट हिज वाइफ एंड हिज फादर इन लॉ एंड सन दे एंटर्ड द हाउस मैलोज ऑफ द एंड देयर फॉर यूलोशिप गवर्नमेंट ऑफिशियल एकोमोडेशन मैलोज एक सेकंड ये 294-506 ये आप कौन है हम मदर इन लॉ फादर इन लॉ एंड वाइफ अच्छा कंप्लेनेंट इज जुडिशियल यस जुडिशियल ही वाज यूलोशिप देन पोस्टेड एज सिविल ही वाज पोस्टेड एज सिविल जज इन रायपुर इन द ऑफिशियल गवर्नमेंट हाउस दे एंटर्ड दे टाइड हिम दे असॉल्टेड हिम दे लूटेड द मोबाइल ट्रायल में क्या हो रहा है ट्रायल इज नॉट प्रोसीडिंग मतलब व्हाट हैज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द चार्ज Now the matter has become tribal by the magistrate and they are saying that it is pending in the High Court and so it has not proceeded. No. My Lords may just see page 12 of the order, My Lords, in my revision petition, the impugn order passed by the court while framing charge. Page 7. Vishwasni yogya saksh nahi hai, isliye jo hai, charge frame nahi kiya hai. आप लीड करिए ना आपको रोका किसने है अगर चार्ज किसी स्टेज पे ऑल्टर हो सकता है अगर इस स्टेज पे नहीं है तो आप लीड कर दीजिए चार्ज आई अप्रिशिएट दैट 216 में आई अप्रिशिएट हो जाएगा चार्ज लेकिन तो एट द टाइम ऑफ द जजमेंट हो सकता है इवन कौन सा दिक्कत हो रही है माय हम्बल सबमिशन इज मैलोज व्हेन देयर इज एन एविडेंस मैलोज द चार्ज शीट इज देयर द एविडेंस ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स आर देयर दैट दे हैव डन इट एंड द कोर्ट सेज कि पांच लोग एक्यूज्ड है पेटेंटली परवर्स फाइंडिंग लीड करिए ना आप उनको ले जाइए मैलोज द क्वेश्चन ऑफ लीडिंग विद इन कम एट अ लेटर स्टेज द क्वेश्चन ऑफ ट्रायल विल बी कंक्लूडेड विद इन थ्री मंथ और व्हाटएवर में टाइम लिमिट मैलोज में जस्ट दोनों ही बोथ द पार्टीज आर एजुकेटेड पीपल मैलोज में ऑफिसर नोज इज लिमिटेशन यस मैलोज क्या ऑफेंस आपको हटाया जी पेज सत्तर है यूलोशिप क्या हटाया हाँ उसमें उन्होंने 294 392 394 और 395 उन्होंने बोले कि मेरा मोबाइल से मेमोरी चार्ज लूटे थे दैट हैज बीन रिमूव्ड यूलोशिप और हमारे खिलाफ बनाया 452 342 506 पार्ट 2 323 सपठित 34 इसका चलेगा बोल के उन्होंने रिमांड 394-95 हटा दिया बिकॉज इट इज ट्रैवल बाई जेल वो ले आना चाह रहे थे मैलोज द एविडेंस मैलोज में जस्ट सी द इम्प्यून ऑर्डर मैलोज फॉर अ मोमेंट पेज 12 मैलोज आप वाली देखें कौन सा है आप वाली सीरियल नंबर 9 है क्या यस मैलोज अविनाश कुमार त्रिपाठी मैलोज अविनाश कुमार त्रिपाठी आप हस्बैंड हैं क्या यस मैलोज और उसको घर में घुस के मैलोज हाउ ही वाज असॉल्टेड मैलोज वुड सी द स्टेटमेंट वाले हैं क्या उसकी वाइफ है इन लॉज है मैलोज दे केम ऑन मैलोज में जस्ट सी मैलोज It would be apparent if Maloj may see Maloj just simply saying that कि लड़के वाले लड़की वाले हैं अरे रोज आप प्योर फैमिली डिस्प्यूट Maloj may just see this Maloj चलिए Maloj let me have the satisfaction of Maloj taking my to the order Maloj for a moment Maloj because it is just opposed to if it happens with a person who is trained in law Maloj and relying on the law then कुछ जरूरत से ज्यादा ट्रेन है Maloj नहीं चलने दीजिए क्या जबरदस्ती का 392-495 यस मैलोज में प्लीज टू सी मैलोज क्या द पेज नंबर 12 मैलोज पेज नंबर 12 ऑर्डर पास बाय द लर्नेड ट्रायल कोर्ट पेज नंबर 12 द थर्ड पैरा मैलोज थ्री लाइन्स आरोप विचरित करने के समय मात्र यह देखा जाना है कि क्या आरोपी गण के विरुद्ध आरोप विचरित करने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री अभिलेख में उपलब्ध है या नहीं शेष बातें विचारण के स्तर पर की हैं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के माध्यम से प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि प्रार्थी को उसके पत्नी तथा उसके माता पिता भाई बहन आरोपी गण द्वारा घटना के समय एक साथ मिलकर उसे उपाधि कारित करने के आशय से
उसके अधिपत के शासकीय आवास में प्रवेश कर गाली गलौज कर उसे कमरे में बंद किए जाने से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का चार्जर एवं तार एवं लोहे की पतली पाइप से मारपीट कर स्वेच्छा उपाहित किया है। किंतु प्रकरण में ऐसा उपधारणा करने के लिए विश्वसनीय योग्य प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण के प्रार्थी किसी सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील गाली गलौज कर बेमानी स्वदोष लाभ प्राप्त करने या स्वदोष हानि के आशय से उसके मोबाइल को लूट कारित किया, उसके मेमोरी कार्ड को रख लिया जिससे उसके कब्जे में जब्त किया गया। आरोपी का कोई मेमोरेंडम कथन भी दर्ज नहीं है। प्रकरण में जो साक्ष्य अवलोकन अभियोजन की ओर से प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तावित है उसका यदि खंडन भी नहीं किया जाए तो भी आरोपी गण के लूट एवं डकैती के अपराध में दोष सिद्ध प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में घटना के समय अभियुक्त की संख्या 5 होने और उनके द्वारा मोबाइल को छीनकर मेमोरी कार्ड को रख लिए जाने के कथन मात्र से ही धारा 392, 294, 395, 2012 के तहत अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं होता। माय हम्बल सबमिशन इज मेलोज चार्जशीट में देख लें, 5 लोग अभियोजित हैं, 5 के 5 स्टेटमेंट आने का है। द स्टेटमेंट ऑफ मेलोज सीनियर जुडिशियल ऑफिसर इज देयर मेलोज who happened to be there on the spot. Maloj, we come to the charge sheet. Mr. Sinha, you have evidence as you say so in the charge sheet. Let that witnesses be appear before the trial court and they will lead it then the charge will be altered. My humble submission is, Maloj, now the charge will be altered at the stage of... Bhai, usne kaha prima facie, koi nahi hai. He has said ki prima facie, baat nahi. Observation hai, aap last question, aisi sthiti mein ghatna kitna prima facie of iska nahi darshit hota, ye likha. This is, I'll say, Maloj, this is perverse. Maloj, may just turn to page 51, Maloj, a statement of the complainant and the witnesses, जिसमें वे एविडेंस है, ये कहना कि 5 लोग नहीं है। 498 लिखा रखा है क्या इनके खिलाफ? 498 है क्या? नहीं है। तो क्या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लिया? मतलब दे आर आस्किंग फॉर 2 करोड़ वेयर फ्रॉम ए जुडिशियल ऑफिसर विद गिव 2 करोड़ मतलब दे डाइवोर्स नहीं फाइल किया क्या? कोई डाइवोर्स ऑफर्स नहीं है? कोई डाइवोर्स ऑफर्स नहीं है? ना मतलब ये क्या करती है वाइफ? क्या करती है? कुछ नहीं, काम करती है। कितने दिन से आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रेन है? कब की मैरिज है आप लोग की? 13 से 2013 2011 की मैरिज। 2011 कोई इशू भी है आप लोग के बीच में? कोई बच्चे भी? डॉटर है। वो क्या कर, वो किसके पास है? विद द मदर, वाइफ के पास है। वाइफ के पास है। और कोई मेंटेनेंस दे रहे हैं ये? नहीं, मोबाइल वॉज सीज, सब्सिक्वेंटली सीएसपी आती है और ये एविडेंस है कि सीएसपी ने रिकवर करके वापस मोबाइल दिया है विदाउट ए मेमोरी कार्ड। देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर मिस्टर भूपेन वासनीकर, हस्बैंड एंड वाइफ। मेलोज, माय हम्बल सबमिशन इज विदर द ऑफेंस ट्रायल प्रोसीड कर देगा मजिस्ट्रेट के यहाँ आफ्टर 6 months और 8 months डाउन द लाइन व्हेन एविडेंस इज अगेन इट वुड बी मतलब रेफर टू अ सेशंस कोर्ट अगेन इट वुड बी ट्राइड। प्रोसीजर इन लॉ है, लॉ का प्रोसीजर। एंड देन देयर इज अ रिकॉर्ड विल हैपन सपोजिंग अ केस अंडर सेक्शन 323 या 325 इज गोइंग ऑन एंड द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट 307 का आईपीसी का बनता है तो जाएगा वहां? बिल्कुल, एब्सोल्युटली मेलोज, व्हेन इट कम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल, बट वंस देयर इज इन द चार्ज शीट एट द स्टेज ऑफ व्हाट इज टू बी डन इज मेलोज चैलेंज करते हैं। कितनी अच्छी चार्ज शीट की बहस करते हैं आप रोज, जिसमें लिविंग इट ओपन टू द टू लीड इज हम इतना लिख दे रहे हैं, ऑब्जर्व कर दे रहे हैं, आप जाइए ना, खत्म बात है। मेलोज में ऑब्जर्व मेलोज एटलीस्ट इफ द एविडेंस इज देयर द That part बिल्कुल कर देंगे, लिखा देंगे that part, मतलब उतना कर देंगे, दोनों ही कर जाइए। कोई भी एविडेंस है तो 216 लिखा ही हुआ, जुडिशियल ऑफिसर को नहीं पता तो फिर और किसने? ओनली प्रेयर तो पहले था, दे फाइल्ड, हाईकोर्ट हैज सेड कि नहीं है, इट हैज सील्ड, देयरफॉर इट मे बी लेफ्ट ओपन। मेलोज नॉट सेड सो लाइक दैट, यू आर मिस इंटरप्रेटिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नो, आई विल जस्ट, बिकॉज उसने उतना लिख के कहा कि प्राइम फेसाय नहीं बन रहा है इस समय, तो इसलिए हम उसको नहीं कर। हमारा इसमें सबमिशन जब हम रिविजन आया तो हमारे कहना है एफएसआई बन रहा है जो एविडेंस आया है, तो आपकी बहस है ना, इसलिए वैसे भी उनका इंटरव्यू वीडियो पहले मैंने, ठीक है, वी विल राइट इट। ओनली प्रेयर वुड बी योरशिप, लेट द एंटायर एक्सरसाइज, एंटायर एक्सरसाइज विल बी डन। हां, आई फील सिक्स मंथ्स, सर वो तो आपके पास रेमेडी है ही है, आप कर सकते हैं।